हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 50 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधा परसेंट की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ जाएगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेंड करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे ले चले, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में इस प्रकार का कुछ चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर अगर हम इस स्टॉक की पास्ट की बात करें तो इस स्टॉक ने पास्ट में 1 साल में अराउंड 81% की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहेगा। वहीं पर अगर हम 6 महीने की बात करें तो इस स्टॉक में अराउंड 116% की तेजी देखने को मिल रही है और वहीं पर 3 महीने में इस स्टॉक में अराउंड 76% की बड़ी ग्रोथ देखी गई है और 1 महीने में यह स्टॉक ऊपरी लेवल से 4% टूटता हुआ भी नजर आ रहेगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में आपको काफी बड़े रिटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पे ऑलमोस्ट ये पैसे इन्वेस्ट जिन्होंने किया था इसमें डबल होता हुआ नजर आया ये स्टॉक में। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस स्टॉक में आप 89 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ, जो कि इसको 16 जनवरी को इस स्टॉक ने 3 इनसाइड अप यानी बुलिश रिवर्सल देखने को मिला, जो इसका क्लोजिंग था वहीं का आप इस स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहां से अगर इस स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है तो आपको शॉर्ट टर्म में 83 रुपये 50 पैसे और सेकंड टारगेट 85 रुपये को देखने को मिलेंगे। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस स्टॉक में जैसे ही 94 रुपये का इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 94 रुपये 70 पैसे को, वहां से इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा सकता है और यहां से इस स्टॉक में आपको बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहां पे ये स्टॉक आपको 120 रुपये तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, क्योंकि कई एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस का ये मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ से अभी 10 से 12% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। और जिस तरह की सरकारी बैंकों में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है पीछे के कुछ महीनों में, तो इस स्टॉक में भी एक बड़ी तेजी देखी जा सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।